बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल ऐसे मैकेनिकल टिप्स। ये अभी आपको टिन पार्क के बारे में बताएंगे, इसका पावर कितने है और ये कौन सी कंपनी के किधर के है। ये मीडियम चैनक है और ये 58 cc है, की पी 58 cc है मॉडल इसका। और ये आप देख सकते हो न्यू मशीन है। इसको हम पेट्रोल डालेंगे और इसको हम स्टार्ट करेंगे। इसका स्टार्टिंग का तरीका आपको हम बताएंगे। ये पेट्रोल का टैंकी है इसका और ये ब्लेड ऑयल का होता है, जो चेन की होता है ये उसका है। इसमें अभी हम पेट्रोल डालेंगे, फिर इसका स्टार्टिंग के बारे में। अभी इसमें हमने पेट्रोल डाल दिया। अभी ढक्कन को सही टाइट कर दोगे, लूज ना हो। ये इसका चौक है, पहले इसको चौक दे दोगे। ये इसका पंप है, ये पेट्रोल आगे चला जाता है कार्बोरेटर पे, स्टार्टिंग में आसानी होता है। या आपको नजर आ रहा है ये पेट्रोल आ गया। ये इसका ऑफ ऑन का बटन होता है, ये ऑटोमेटिक है, ये भी ऑटो ऑन है। ये बंद नीचे पकड़ते हो, इसको प्रेस करते हो, ये बंद हो जाता है। ये भी हमने चौक दिया है। अभी इस पहले हम किक मारेंगे, दो किक मारेंगे स्टार्ट हो जाएगा। हम फिर चौक को अंदर करेंगे, फिर इसको दोबारा हम किक मारेंगे स्टार्ट हो जाएगा। ये अभी स्टार्ट हो गया और फिर बंद हो गया। अभी इसको हम चौक पास कर अलग करते हैं, अब फिर इसको हम सेटिंग करते हैं। अभी दोबारा चौक करने का देने का जरूरत नहीं है, जब मशीन गर्म होते हैं दोबारा चौक देने का जरूरत नहीं होता है। ये किक मारोगे तो स्टार्ट हो जाएगा। ये इसका डाइफॉर्म है जो जारी है, ये जारी है इसका। ये इसका डाइफॉर्म है और ये इसके ये प्लग लगा हुआ है। ये भी है, इसमें हम ऑयल डालते हैं, ऑयल चेक करते हैं। इसमें अभी हमने ऑयल डालने है, ये इसको ऑयल डालेंगे पतला ऑयल होगा। ये चैन के लिए होता है। इस टैंकी को जब पेट्रोल भरते हो तो ऑयल को लाजमी भरोगे, क्योंकि ये जो है ना पेट्रोल और ऑयल एक जगह ख़त्म होगा, मिक्स ही ख़त्म होगा। ये भी ऑयल जो है ना इधर से आएगा, रेस देते हो तो ये ब्लेड पे जाते हैं। ये भी इसको हम स्टार्ट करते हैं। ब्लेड के तरीके बताते हैं। ब्लेड आपने इस तरह ब्लेड लगाना है, ये ब्लेड लग गया है। ये इसका पता कंपनी का चैन है, इसको तेज़ करने की ज़रूरत नहीं होती, ये तेज़ हो जाते हैं, ये कंपनी से तेज़ होते हैं। इसको हम लगाएंगे सीधा, पहले इसको हम गिरारी में चढ़ाएंगे, ये नीचे गिरारी है, इसमें चढ़ाएंगे, ये फिर आगे ब्लेड में लगाएंगे। ये भी गिरारी में लग गया, ये भी हमने इसको ब्लेड में लगाना है, ये ब्लेड में लग गया। टापा फिट करने हैं, ये एडजस्टर है इसका, ब्लेड टप एडजस्टर है। इसको हमने इस सुराख के लिए बराबर करने हैं। ये सुराख में अगर बराबर ना हो तो ये ब्लेड टप इस खराब होगा। ये इसका ब्रेक है, ठीक है, ये ब्रेक पीछे होना चाहिए हमेशा, जब रेस देते हो मशीन को ये पीछे होना चाहिए। ये इसका स्प्रिंग है, स्प्रिंग अगर ये इसके साथ जो क्लच को पकड़ लेते हैं ये फिर ब्रेक मशीन को ख़राब कर देते हैं, मशीन गर्म हो जाता है। ये भी इसमें फिट है। अब इसको हम ये इसको हम अभी नट लगाते हैं हाथ के साथ, तो पहले हाथ के साथ टाइट कर लोगे। ये हाथ के साथ टाइट कर दिया। ये इसका प्लपन है, ये दोनों काम करते हैं। ये ब्लेड के नट के लिए होते हैं, तीन काम करते हैं, ये ब्लेड के नट के लिए होते हैं, ये प्लग के लिए होते हैं और ये इसके एडजस्टर के लिए होते हैं। ये भी हमने थोड़ा सा हाथ के साथ टाइट कर दिया। इसका अभी चैन लूज़ है, ये चैन आप देख सकते हो लूज़ है। इसको हम टाइट करेंगे, ब्लेड को एडजस्टमेंट करेंगे।
चैन अभी टाइट हो रहा है, ब्लेड के किनारे में इसको सही बैठाना है। आप देख सकते हो अभी टाइट हो गया, इसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, ज़्यादा गैप नहीं होगा, जब ज़्यादा गैप होगा तो चेन निकलेगा। इसको अभी हम टाइट करते हैं पानी के साथ, पहले हमने हाथ के साथ टाइट कर दिया था, ये अभी हम पानी के साथ इसको टाइट करते हैं। ये हो गया, ये भी इसको स्टार्ट करते हैं, इसका चेन वाला आयल चेक करते हैं, इसका ब्रेक वाला सिस्टम चेक करते हैं, ब्रेक काम करते हैं या नहीं करते हैं।